खुद पर बोझ इतना मत लाद देना कि जिंदगी एकदम भारी लगने लगे। अगर कोई स्त्री किसी से सच्ची मोहब्बत करने लगे तो वो एक माँ जैसी परवाह करने लगती है। जो खुद पहले जैसे नहीं रहे उन्हें हम बदले हुए नजर आते हैं। जैसे तैसे कट ही जाएगी चाहे रात हो या जिंदगी। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देगा। ना समझ ही ठीक थे, ये समझदारी तकलीफ बहुत देती है। समझ किताबें उठाने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। एक पिता के अलावा और कोई नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा तरक्की करें। वो रिश्ते बहुत गहरे होते हैं जो अपनेपन का शोर नहीं मचाते। जेब खाली हो तब भी मना नहीं करते। मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। कुछ लोगों का प्यार कभी नहीं बदलता और उन्हें ही माँ बाप कहते हैं। सुनो ना, तुम अगर बिजी हो तो वक्त मेरा भी कीमती है। उसके पहले सब करके देख चुका था, उसे जाने देना मेरी आखिरी कोशिश थी। मैंने देखा है घर में ही गैरों सा बर्ताव, अब दूसरों से क्या ही आस करें। भाड़ में जाए मेरा मनपसंद इंसान, जो मेरा बने मैं उस पर कुर्बान हूं। रोज रोशन रहे हालात जरूरी तो नहीं, चांदनी रात हो हर रात जरूरी तो नहीं। पहले निभाने का इरादा करो फिर कोई वादा करो। वजह पूछो तो सारी उम्र गुजर जाएगी। कहा ना, आप हमें पसंद हैं तो बस पसंद है। एक माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। वजह देकर रोने की फिर मेरे आंसुओं को दफनाया गया। हम पत्थर नहीं थे पर हमें यूं पत्थर बनाया गया। जिंदगी जीने का मज़ा तो आपसे मांगे हुए सिक्कों से था। पापा हमारी कमाई से तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हुआ करती। मालूम है मुझे ये मुमकिन नहीं, मगर एक आस सी रहती है कि तुम याद करोगे। सुकून वैसे इसमें भी है कि तन्हा रहा जाए, किसी से कुछ ना कहा जाए। गहरे रिश्ते भी अक्सर टूट जाते हैं। अकड़ काफी हो अगर पकड़ से। कंगन सोने का ना सही, कांच का लाऊंगा। तुम पहन तो लोगी ना या मैं अपने हाथ से पहनाऊं। मुझे क्या, तुम्हें क्या और हमें क्या। बस ऐसे ही धीरे धीरे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कदर तो वो है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं।